जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। माया क्या है? जहाँ कहीं भी मन जाके बैठ जाए उसका नाम माया है। कुछ चीज़ों को बहुत स्पष्ट समझा करिए, उसमें जटिलता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात बिल्कुल सीधी है, उसे लाग लपेट के बिना बोलिए। माया क्या? जो ही मन को आकर्षित करे वो माया। वो किसी भी कारण आकर्षित कर सकती है, वो ऐसे भी आकर्षित कर सकती है कि उस लुभावनी लग रही है, और ऐसे भी आकर्षित कर सकती है कि डरावनी लग रही है। दोनों में आकर्षण है, लोभ में भी आकर्षण है और डर में भी आकर्षण है। मन जाके बैठता है वहाँ बार बार। आपको कुछ प्रिय लगता है, आप सोचोगे उसके बारे में, और आपको कुछ भयाक्रांत करता है, आप भी उसके बारे में भी सोचोगे। आप दोस्त के बारे में भी सोचोगे और दुश्मन के बारे में भी सोचोगे। दोनों क्या हुए? माया। तो जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। माया क्या? मन जहां बार बार जाके बैठे उसी का नाम माया है। जो ही विचार मन में लगातार भरे रहें उसी का नाम माया है। तो हमारे जीवन में माया कहाँ है, ये जानने का बड़ा सरल तरीका है। यही देख लीजिए कि दिन रात किसके विषय में सोचते हो। जो ही विषय मन में भरा हुआ है सो ही माया है। तो मन को जो खींचे सो माया। कबीर कह रहे हैं, एक माया ऐसी भी है जो राम से मिला देती है। मन को जो खींचे सो माया, और कबीर कह रहे हैं एक माया राम से भी मिलाती है। इन दोनों बातों को जोड़िए। मन को यदि ऐसा कर लो कि उसको राम ही आकर्षक लगने लगे, तो क्या बात बनेगी? मन ही है जो यत्र तत्र भागता है। इसी मन को ऐसा क्यों ना कर दे कि राम की ओर भागे। वो भी एक प्रकार का आकर्षण ही है। मीरा रो रही है कृष्ण के लिए, कह रही है कि शैया बिछी हुई है, आते क्यों नहीं, सेज सूनी पड़ी है। ठीक वैसे ही कह रही है जैसे एक आम प्रेमिका अपने प्रेमी को बोलती है। शब्द वैसे ही है, भाव दूसरे हैं, पर आकर्षण वहां भी है। पर वो आकर्षण उसे मिला रहा है राम से, श्याम से। खाता कौआ भी है, खाता हंस भी है। आकर्षित दोनों होते हैं, पर क्या कहते हैं कबीर कि एक नहाता है ताल तलैया में और दूसरा जाता है मानसरोवर। तो ऐसा क्यों ना कर दे मन को कि वो आकर्षित ही मानसरोवर की ओर हो, और कहीं वो लगे ही ना। तो मीरा के सामने अंगू पंगू खड़े कर दो, वो आकर्षित हो जाएगी क्या? उसने अपने मन को कैसा कर लिया है कि परम के अलावा वो कहीं लगता ही नहीं। मन ही है, याद रखिएगा। और कबीर ने कहा है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। मीरा के मन में भी कोई समाया हुआ है, और जो ही मन में समाया हो सो ही माया है। मीरा के मन में भी कोई समाया है। कौन कौन समाया हुआ है? तो क्यों ना कर ले मन को ऐसा। यही मन है जो हमारी सबसे बड़ी सजा है। अगर ये बेचैन होके इधर उधर भागे, अतीत भविष्य आगे पीछे दूसरे, और यही मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, अगर ये सध जाए। और उस अवस्था को कहते हैं कि यत्र यत्र मनो जाते तत्र तत्र समाधि। मन जहां कहीं भी जा रहा है वहीं समाधि है, क्योंकि मन जहां भी जा रहा है राम के साथ जा रहा है, तो लगातार समाधिस्थ है। ऐसा क्यों ना कर ले मन को।
और कहीं लगता ही नहीं, खींचो इधर उधर तो भी कहीं जाता नहीं, जहां ही जाता है उसी की ओर जाता है। संसार पूरी कोशिश कर ले आके उसके सामने अपने लुभावने से लुभावने रूप में नाच ले, मन फिर भी अपने केंद्र पर स्थित रहता है। आदमी औरत बूढ़ा बच्चा जिसको देखता है उसको ही देखता है, भूत और भविष्य में भी घूमता है तो स्थित वर्तमान में ही रहता है। मन को ऐसा क्यों ना कर ले कि सोच रहा है आगे की, ठीक, विचर रहा है स्मृतियों में, ठीक, लेकिन बैठा वर्तमान में हुआ है, वर्तमान से नहीं हिलता। अतीत की सोच भी रहा है तो आसन वर्तमान में ही है। एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए, मन का एक होना वो है, मन की एक सामग्री वो है जो मन को उसके स्रोत से दूर करती है, और मन की ही एक दूसरी सामग्री वो है जो उसको स्रोत के निकट लेके जाती है। ये आपके सामने कुछ पन्ने हैं, किताबें हैं। एक किताब हो सकती है जो मन को बहकाए, और एक किताब हो सकती है जो मन को साधते, स्रोत के पास ले जाए। हैं दोनों किताबें ही, हैं दोनों शब्द ही, किसी और का कहा हुआ शब्द है, दोनों ही किसी और के कहे हुए शब्द हैं, दोनों में ही कोई दूसरा मौजूद है, पर उस दूसरे की मौजूदगी में जमीन आसमान का अंतर है। एक है जो आपको आपके करीब ले जा रहा है, और एक है जो आपको आपसे ही बेगाना बना रहा है। और यही सूत्र है जीने का, यही कला है जीने की, कि क्या चुने और क्या ना चुने, इसी का नाम विवेक है। उसको चुनो जो तुम्हें तुम्हारे करीब ले आता हो, और उससे बचो जो तुम्हें तुमसे दूर ले जाता हो। यही पहचान है दोस्त और दुश्मन की भी, यही कसौटी होनी चाहिए जीवन में कुछ भी कसने की, देखने की। इस व्यक्ति के साथ जब होता हूं तो अपने करीब होता हूं या अपने से दूर हो जाता हूं? जो तुम्हारे जीवन में आके तुमको हिला डुला दे, तुम्हें तुमसे दूर कर दे, उसकी संगति से बचो। वो वाली माया है जो तुमको नरक ले जाएगी। नरक और कुछ नहीं है, स्वयं से दूर हो जाना ही नरक है, नरक और कुछ नहीं, यही नरक है। इसीलिए कहा है कि नरक भी यही, स्वर्ग भी यही। जिन क्षणों में अपने से ही दूर हो गए उन क्षणों में नरक में हो, और जिसकी संगति में मन उपद्रव से भर जाता हो, स्वयं से एक दूरी बन जाती हो, एक अलगाव बन जाता हो, वही नरक का एजेंट है। और जिसकी संगति में पाते हो कि अपने पास आ गए, तुम्हारे पास होते हैं तो अपने पास आ जाते हैं, जिससे ऐसा कह सको वही तुम्हारा प्रेमी है। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे पास होते हैं तो अपने पास आ जाते हैं। आमतौर पे प्रेमियों की पूरी कोशिश होती है कि जब हमारे पास रहो तो अपने से दूर हो जाओ, इसी को प्रेम माना जाता है। ये प्रेमी नहीं है, ये नरक का एजेंट है। एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए, नरक और कुछ नहीं है, यही है। जो चित्त को भटका दे, इधर उधर कर दे, वही नरक है, वही नरक है।
समझ में आ रही है बात? यही जीवन जीने का सूत्र है, इसी का नाम विवेक है। विवेक माने भेद करना, चुनना। कैसे चुने? जीवन प्रतिपल चुनने की ही प्रक्रिया है। कैसे चुने? ऐसे चुने, यही सवाल पूछें। इस किताब के साथ रहूंगा तो अपने पास रहूंगा या अपने से दूर रहूंगा? इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, इस माहौल में रहूंगा, इस समारोह में रहूंगा, इस जगह पर रहूंगा तो अपने पास रहूंगा या अपने से अलहदा कर दिया जाऊंगा? यही सवाल है। जहां पे जवाब आए हां, अपने पास आ जाओगे, वहां पर आंख बंद करके पहुंच जाओ। वही व्यक्ति शुभ है तुम्हारे लिए, वही जगह शुभ है तुम्हारे लिए। और जहां जवाब ना में आए कि ना, मैं शांत भी होता हूं तो इस व्यक्ति के पास रह के मन में उपद्रव आ जाते हैं, मैं चुपचाप बैठा होता हूं तो इस व्यक्ति को चैन नहीं है जब तक ये मेरे मन में हजार तरीके के उपद्रव न पैदा कर दे, उससे बचो, जान बचाओ। वही नरक है। नरक आपको क्या लगता है कैसा है? वहां बड़े बड़े तेल के कड़ाहे उबल रहे हैं जिसमें आपके शरीर को उबाला जाएगा? नहीं नहीं, नरक वो है जहां आपका मन उबलने लगे। नरक में आपका शरीर नहीं उबाला जाता। नरक वो जहां आपका मन उबाल दिया जाए, जिसकी संगति में आपका मन खौल उठे, वही नरक है। और जिसकी संगति में मन शीतल हो जाए वही स्वर्ग है। अब अपने आप से पूछिए कि आपके परिधि में जो लोग हैं वो कैसे हैं? उनमें से जो जो ऐसे हैं कि जिनके स्पर्श मात्र से मन शीतल हो जाता है, उनको जीवन में जगह दीजिए और बाकियों से बचिए। जिनसे नजरें मिलती हों और मन बिल्कुल हिम्मत हो जाता हो, उनको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको अपने मंदिर में बैठाइए। और जो आते ही हों खुराफात के लिए, कि उनकी आहट से ही सब हिल उठता है, कि फोन की घंटी बजती नहीं है और मन झनझन आ जाता है कि बाप रे पता नहीं क्या होगा अब, तो भला है कि नंबर ब्लॉक ही कर दीजिए। जहां तक आपकी बात है, एक ही जीवन है आपके पास। इतनी सहूलियत नहीं है कि उसको व्यर्थ उड़ाते चलें। इतने क्षण नहीं है आपके पास, इतना अवकाश नहीं है कि उसको फिजूल लोगों के साथ जाया करते चलें। आत्मा होगी अमर, आप अमर नहीं हैं, अंतर समझिएगा। इस चक्कर मत रह जाइएगा कि मैं तो अमर हूं। ये जन्म अगर उपद्रव में बीत भी गया तो क्या होता है? आप नहीं अमर हैं, आपके पास एक ही जन्म है, दूसरा कोई नहीं जन्म होता। आप जो हैं वो कभी लौट के नहीं आएगा। आत्मा होती होगी अमर। बहुत सावधानी से कदम रखिए। विवेक, यही शब्द है। विवेक का अर्थ है अंतर कर पाने की क्षमता, चुन पाने की क्षमता, भेद कर पाने की क्षमता। क्या रखूं क्या ना रखूं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या कहूं क्या ना कहूं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, किसको जीवन में जगह दूं और किसको न दूं, यही विवेक है। एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। हम
समझ ही गए होंगे कि विवेक का अर्थ है प्रायोरिटीज, किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। और हमारी जिंदगी में गड़बड़ ही यही है कि हमें नहीं पता कि किसको वरीयता देनी है। आप एक काम कर रहे हैं, वो काम महत्वपूर्ण है या कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम जानते नहीं। हमारे सारे निर्णय उल्टे पुल्टे रहते हैं, यही अविवेक कहलाता है। पता ही नहीं है कि किस चीज को महत्व देना है। ये भी दिख ही रहा होगा कि विवेक और मूल्य आपस में जुड़ी हुई बात है। मूल्यों का यही अर्थ है, क्या कीमती है और क्या कीमती नहीं है। हम नहीं जानते क्या कीमती नहीं है, हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं समझते। हम ऐसे पागल हैं जो हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझते हैं, और समझते नहीं भी हैं तो कम से कम दूसरों को यही जताते हैं। अरे हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, हम विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तुम बिजी नहीं हो, तुम जड़ हो, मूर्ख हो, अविवेक इसी को कहते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर नरक में जलो तो जिम्मेदार कौन, पीड़ा भुगत रहे हो, समझ नहीं रहे हो अभी भी कि तुम्हारी इस पूरी पीड़ा का कारण क्या है, तुम्हारा अपना अविवेक, और उसी अविवेक को तुम बढ़ाए जा रहे हो आगे, अभी भी उससे मुक्त नहीं होना चाहते। जिन कारणों से तुमने इतना कष्ट झेला है, जिन कारणों से मन इतना जल रहा है, उन्हीं कारणों से अभी भी चिपके हुए हो। एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। हम ऐसे हैं कि राम के द्वार पे भी नरक निर्मित कर देंगे। हम ऐसे हैं कि स्वर्ग के बीचों बीच अपने व्यक्तिगत नरक की स्थापना कर देंगे और उसको नाम देंगे कि ये मेरा है, माय पर्सनल स्पेस, डू नॉट इंटरफियर। आप इतना अगर संकल्प कर लें तो देखिए कि जीवन की गुणवत्ता में कितना अंतर आता है। बस इतना संकल्प कर लीजिए, जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, जो मेरे मन में उपद्रव पैदा करते हैं, जो मेरी शांति में विघ्न डालते हैं, उनके साथ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। संकल्प कर लीजिए, बस मुट्ठी बांध लीजिए, फिर देखिए जीवन बदलता है कि नहीं। जहां ही पाऊंगा कि जो मेरी गहरी आंतरिक शांति है उसमें बाधा पड़ रही है, मैं उस जगह से अपने कदम पीछे खींच लूंगा, मैं उस कमरे से ही बाहर चला जाऊंगा। देखिए कि जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। आप झेलने को बहुत तैयार हैं ना, आप बड़े जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं अरे अगर मैं कमरे से बाहर चला गया तो मेरा क्या होगा, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई संबंध ना टूट जाए। ना, आप एक बार ये व्रत उठा के देखिए, फिल्म देखने गए हैं, ठीक है, खरीद लिया आपने 300 रुपए का टिकट, शुरू में 20 मिनट में ही पता चल गया कि ये वो चीज़ नहीं है, मुझे धोखा हो गया, आप बाहर आ जाइए। कसम उठा लीजिए कि जो कुछ भी मन को खराब कर रहा होगा उसे झेलूंगा नहीं। अब टिकट खरीद लिया कोई बात नहीं, वो अतीत की गलती थी, हो गई ना। पहले क्या गलती करी कि 300 का टिकट खरीदा, ये एक गलती है, अब इसको आप ठीक नहीं कर सकते। और अब क्या गलती कर रहे हो, अब कह रहे हो कि चूंकि 300 का खरीद लिया है तो 3 घंटे बैठूंगा अभी। तुम्हें क्या लगता है, इस दूसरी गलती को करके पहली गलती को तुम ठीक कर रहे हो या पहली गलती को दूना कर रहे हो?
उत्तर दीजिए। पर हमारी मानसिकता क्या है, क्योंकि एक गलती कर दी है तो पांच गलतियां और करूंगा, पर ये मानूंगा नहीं कि पहली गलती हो गई। चुपचाप मान लो ना कि निर्णय लेने में गलती हो गई, चुनाव गलत हो गया, जो मूवी देखनी ही नहीं चाहिए थी उसका टिकट खरीद लिया, धोखा हो गया। मान लो कि धोखा हो गया। अब धोखा हो गया तो क्या जन्म भर उस धोखे को निभाओगे? कर दी एक गलती, चूक हो गई निर्णय में, कोई बात नहीं, दिख गया जैसे ही कि चूक हो गई है, धोखा हो गया है, उठो और सिनेमा हॉल से बाहर आ जाओ। हम खाना खाने में भी यही करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने खाना ऑर्डर किया और ऐसा आ गया है तला भुना मिर्च वाला कुछ भी करके, अब क्या करें? ऑर्डर दे दिया, आ गया है। अब एक गलती तो ये करी कि गलत जगह पे गलत पदार्थ मंगाया। अब तुम दूसरी गलती भी करना चाहते हो क्या? उसे खा भी लेना चाहते हो। और हम ठीक यही करते हैं कि नहीं करते हैं? अतीत की गलतियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनसे पीछा नहीं छुड़ाते। और इसको हम वफा का नाम देते हैं कि अरे टिकट खरीद लिया, वफा कर ली, अब बेवफा कहलाएं क्या? व्यक्तियों के साथ भी हम ठीक यही करते हैं, समझ ही गए होंगे कि अब किसी से एक संबंध बना लिया है, कैसे स्वीकार कर लें कि वो संबंध बनना ही नहीं चाहिए था, वो संबंध ही गलत था, झूठ की बुनियाद पे था। अब उसको हम निभाएंगे और जीवन भर ढोएंगे, और किसका नाम नरक है? यही तो नरक है। तो आग्रह कर रहा हूं आपसे, ये संकल्प कर लीजिए कि जो ही दिखे कि गलती हुई है तत्क्षण रुक जाइए, उसे आगे मत खींचिए। जो ही दिखे कि मन अस्थिर हो रहा है, मन कंपित हो रहा है, उस माहौल से दूर हो जाइए। ये मत कहिए कि इसमें मेरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जीवन के कई साल लगाए हैं इसमें ना, तब जानते नहीं थे, धोखा हो गया था, अब दिख रहा है ना, बचो।